नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, अरे पगले, मुबारक हो। 20 सितंबर 2022 से तेरी किस्मत अचानक से बदलने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन की प्रतीक्षा आप इतने सालों से, इतने बरसों से करते आ रहे थे, आखिरकार अब वह दिन आ चुका है। जी हाँ मित्रों, आपको बता दें, आने वाला यह दिन आपकी जिंदगी में 5 बड़े-बड़े शुभ परिवर्तन लेकर आ रहा है। सबसे पहले इस दिन के पंचांग पर नजर डालें तो आपको बता दें, अश्विनी कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। पूर्णवसु नक्षत्र का निर्माण हुआ है। वरियान योग बना है। सूर्य इस दिन कन्या राशि में है और चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करने वाले हैं। ग्रह गोचर का यह अद्भुत संयोग आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा? अगले 24 घंटों में आपका व्यापार कैसा रहेगा? नौकरी पेशा जीवन कैसा रहने वाला है? आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी? साथ ही दोस्तों, पारिवारिक जीवन में इन 24 घंटों में क्या क्या उतल पुतल मचने वाली है, हर एक घटना पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी माता एवं बहनों से, भाइयों से अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना। परंतु उससे पहले महादेव के एवं माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त यह वीडियो देख रहे हैं, इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर जय माँ काली, हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं गुरुदेव के एक बहुत ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। तो दोस्तों, गुरुदेव कहते हैं, आज आपके पास पर्याप्त तो ऊर्जा है, जिसका उपयोग करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। किंतु कल ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि समय रहते जाग जाओ। जी हाँ दोस्तों, यह जो नौजवानी की आपकी उम्र है, अभी जो आपकी एज चल रही है, इस उम्र में, इस एज में आपके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास पर्याप्त ऊर्जा है। आप अभी अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए जिन जिन लक्ष्यों को साधोगे, जिन जिन लक्ष्यों की तैयारी करोगे, उन लक्ष्यों को आप बड़ी ही आसानी से थोड़ी बहुत मेहनत कर कर हासिल कर सकते हो। परंतु दोस्तों, कुछ सालों बाद जब आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, यह जवानी के दिन ढलते जाएंगे, तब आप में ऊर्जा संचार की कमी होगी। फिर चाह कर भी दोस्तों, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकोगे। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि समय रहते जाग जाओ और अपने सपनों के पीछे दौड़ लगाओ। बात सही लगी हो तो लाइक कर देना, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ काली जरूर लिखें। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में 5 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बदलाव होंगे व्यापार में, नौकरी में, पारिवारिक जीवन में, विद्यार्थियों के जीवन में व बेरोजगार जातकों के जीवन में। जी हाँ दोस्तों, इन 5 क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही 3 अशुभ घटनाएं होने वाली है। अब वह अशुभ घटनाएं किनके साथ होगी? सर्वप्रथम तो वे जो साझेदारी में काम करते हैं, दूसरा आपके वैवाहिक जीवन में, और तीसरा उन लोगों के जीवन में जो निठल्ले बैठे हैं, अभी तक मेहनत करने का सोच ही नहीं रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, शुभ घटनाओं पर नजर डालते हैं। तो व्यापार से जुड़े जो जातक हैं, उन्हें बता दें, कारोबार में दोस्तों नए नए बदलाव आने वाले हैं। आप पाएंगे आपका कारोबार अच्छे से चल रहा होगा, किंतु
कहीं से कोई बड़ा ऑर्डर, कोई बड़ी डील आपके पास आ सकती है, जिससे कि दोस्तों व्यापार में अचानक से तेजी आ जाएगी, उमंग आ जाएगी और यह बड़ा ऑर्डर मार्केट में आपका नाम, आपका सम्मान दोनों ही बढ़ाने वाला है। साथ ही दोस्तों दफ्तर में काम करने वाले जातकों को बता दें, लंबे समय से आप जो मन लगाकर मेहनत कर रहे हो, यह बदलाव दोस्तों सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो सच में दिल लगाकर काम कर रहे हैं, मन लगाकर मेहनत कर रहे हैं। उन जातकों के जीवन में आने वाले अगले 24 घंटे तरक्की लेकर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय से जिन टारगेट्स को पूरा करने में आप जुटे थे, अब वह टारगेट्स आपके पूरे होंगे और आपके उच्च अधिकारी, आपके बॉस आपकी मेहनत से संतुष्ट नजर आएंगे, खुश नजर आएंगे और बहुत जल्द आपकी तरक्की पर विचार कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों दफ्तर में मेहनत करने वाले जातक मन लगाकर काम करना। साथ ही दोस्तों पारिवारिक जीवन में आपको बता दें, लंबे समय से चलती आ रही दिक्कतें, लंबे समय से चलती आ रही परेशानियां अब दूर होगी। जी हाँ दोस्तों, घर परिवार में अगर किसी बात को लेकर कोई मनमुटाव चल रहा था, किसी बात को लेकर कोई दिक्कत चल रही थी, तो वह सब अब मिटने वाली है और आप देखेंगे कि पारिवारिक जीवन अगले इन 24 घंटों में आपका बहुत बढ़िया रहेगा। खुशियों के एक से बढ़कर एक नए नए पल अब आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। साथ ही अगर आपके बच्चों ने कोई कंपटीशन, प्रतियोगिता, परीक्षा की तैयारी की थी या परीक्षाएं दी थी, तो उनमें भी अब इन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। यानी कि दोस्तों बच्चे तरक्की करेंगे तो परिवार में तो खुशियां आएगी ही आएगी। अगला बदलाव दोस्तों उन लोगों के लिए है जो कि बेरोजगार चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, अगर मन लगाकर सच्चे मन से अगर इस दिन प्रयास करोगे, तो हम लिख कर देते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटों में किसी बहुत ही अच्छे पद पर आपको कोई बढ़िया, कोई बड़ी जॉब मिल सकती है। इसलिए दोस्तों बेरोजगार जातक मन लगाकर काम करें। साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं 3 अशुभ घटनाओं के बारे में। तो साझेदारी में व्यापार करने वाले समस्त जातकों को बता दें, आपके लिए दोस्तों दिन बहुत बुरी बुरी घटनाएं लेकर आने वाला है। आपके साझेदार दोस्तों आपके अपने कारोबार से ही आपका पत्ता साफ कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपके साथ धोखाधड़ी होने वाली है, आपको फंसाने का जाल भी बिछ चुका है। ऐसे में आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें एवं अपने साझेदार से अपने रिश्ते बेहतर करते रहें। साथ ही दोस्तों जो लोग निठल्ले बैठे हैं, कुछ करने का प्रयास ही नहीं कर रहे, उन जातकों को बता दें कि अपनी नींद उड़ा लो भैया, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे आपके भाग्य को बदल रहे हैं, किस्मत आपका साथ दे रही है। ऐसे में अगले 24 घंटों में भी अगर आप अपनी नींद नहीं उड़ाओगे, मेहनत नहीं करोगे, तो काम बिगड़ जाएगा, बात हाथ से फिसल गई तो फिर हाथ में नहीं आएगी। इसलिए मन लगाकर मेहनत करिए। अब दोस्तों विद्यार्थियों को बता दें कि भाई इस उमंग में मत बैठो, इस अहम में मत बैठो कि चीटिंग कर कर बिना कुछ पढ़े लिखे ही आप पास हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस वहम में बैठे हो कि मैं तो चीटिंग कर लूंगा, मैथ से नायत से कैसे भी कर कर पास हो जाऊंगा, तो आपका यह वहम अब आने वाली परीक्षाओं में चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए विद्यार्थियों को भी हमारी ओर से मन लगाकर मेहनत करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों यह थी कुछ खास, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ आवश्यक बातें जो कि थी आपके आने वाले दिन को लेकर। उम्मीद करेंगे कि वीडियो में बताई गई बात आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। वीडियो दोस्तों महत्वपूर्ण था और आपके ग्रह गोचर पर आधारित था।
इसीलिए महादेव के व माता रानी के सभी सच्चे भक्त जय माँ काली हर हर महादेव जरूर लिखें। उसी के साथ रोजाना ऐसी ज्ञान वर्धक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको भी ऐसी ही वीडियोस मिलते रहे। अभी के लिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।